लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे, आपस में खेल खेलने लगे। अब हे राजन एक अंतर कथा का श्रवण करो। महाराज द्रुपद और द्रोणाचार्य जी महाराज एक ही विद्यालय में एक ही गुरु के यहां विद्या अध्ययन करते थे और राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य में बड़ी मित्रता था, अटूट मित्रता। तो द्रुपद कहते थे कि हे ब्राह्मण देवता, जब हमारा शासन होगा तो समझ लेना कि आधे सिंहासन पर द्रोणाचार्य बैठेंगे, आधे पर द्रुपद। जो आप कहोगे वही हमारे राज्य में पांच चाल में होगा। इतनी गहरी मित्रता, संयोग की बात, विद्यालय से, चटसार से, स्कूल से राजा द्रुपद पहले आए और ये राजा बन गए। बहुत दिनों के बाद द्रोणाचार्य जी भी आए, उनका भी रीत रिवाज से गौतमी के साथ विवाह हुआ, गौतमी। और एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अश्वत्थामा। तो एक दिन अश्वत्थामा खेल रहा था तो एक लड़का सोने के कटोरे में दूध और चावल, दूध और भात खा रहा था। तो अश्वत्थामा ने देखा तो आकर के अपनी माता गौतमी से कहने लगे, मैया मैं भी सोने के कटोरे में दूध और भात खाऊंगा। का कोई बात नहीं, आपके पिता आ जाए मैं अभी मंगवा देती हूं। तो द्रोणाचार्य जब आए तो उनसे गौतमी ने कहा कि आज अश्वत्थामा ने कुछ खाया नहीं है। कहा क्यों? कहा ये लड़का जिद कर रहा है कि सोने के कटोरे में आज मैं दूध और भात खाऊंगा। तो कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जा रहा हूं और महाराज के यहां से अभी तुरंत सोने का कटोरा गाय की व्यवस्था मैं कर रहा हूं। तो राजा द्रुपद के पास द्रोणाचार्य गए और कहा महाराज आज हमें एक सोने का कटोरा चाहिए और सुंदर दिव्य गाय। कहा क्यों? कहा हमारा लड़का जिद कर रहा है कि सोने के कटोरे में दूध और भात खाऊंगा। तो द्रुपद मुस्कुराए कि आखिर ठहरे तुम भिखमंगे ब्राह्मण ही तो, अरे मैंने आपसे क्या कह दिया कि आपने हमारी जुबान को पकड़ लिया। मैंने कहा था सिंहासन पर आपका अधिकार रहेगा तो क्या अधिकार रहेगा, आपने सच मान लिया। अरे भाई हम लोग बहुत जगह जाए, कैल पंडित जी कहा, कैल पंडित जी कहा हाँ भैया, कहने 40 बीघा आमे के बाग हमारे हुए 40 बीघा।